चंदा बस ए ही दीजो अगले जन्म अगले साँप है? हाँ। अरे गंगिया, देख रहे कमरा में सांप कहाँ से आ गया? बगुना, बगुना तो कुछ नहीं हुआ ना? अच्छा हुआ कि खुद ही खिड़की से बाहर चला गया, हम उसको तो छपाने ही वाले थे। अरे सत्यानाश, वहां तो कौनो सांप उप नहीं है। अरे हमारा पोता ठीक है ना? देखिए देखिए, कोनो सांप उप नहीं है। देखिए हम सब चकिंग किए। देखिए लाली। हाँ? ऐसा तो नहीं हुआ कि कोनो और चीज देख के तुमको सांप लग गया? नहीं पर ठाकुर, यही पर था सांप, हम इसी में लपेट के फेंके थे यहाँ पर। ऐसा कैसे कि कोनो भी चीज देख के आपको सांप लगे? वही तो हमरे समझ में नहीं आ रहा, तो तुमको क्या लग रहा है शेखर? अली कहाँ देखी थी तुम? यहीं देखे थे छोटे ठाकुर, अपने आंख से हम देख। हम चेकिंग किए पूरी तरह से। अरे बाबूजी, कौनो सांप वाप ससुरा होता तो यहाँ ना होता। हमको तो लगती है चिड़ई थोड़ा पगला गई है। पागल पागल, जैसे ये बात सच है ना कि बच्चा हमरा नहीं, वैसे ही ई बात भी सच है कि कमरा में सांप था। सांप था एक कमरा में। पगला गई है लाली। हाँ, देख लिया कौन पागल है कौन पागल नहीं है। जब सांप नहीं मिला था तब हम कह रहा था। चुप चुप हो जाइए, सफाई देने का वक्त गया। काई नहीं विश्वास किया गया इस पर कि जब से कह रही है तब बच्चा इसका नहीं है। हमारा बच्चा कहाँ है?
हमारे साथ ही खेला खेल रहा है। ये घिनौना मजाक हमारे साथ कौन कर रहा है? हम जानते हैं आप ही लोगों में से कोई है। वो हमें छोटे ठाकुर, हम खेले ही खेला। ये सब हम अपने बच्चा के खातिर किए थे छोटे ठाकुर। हम सोचे कि जो भी हमारे बच्चा को तकलीफ दे रहा है हम उसको एकदम से उलझाते। और ये बात सब लोग जानता है कि हवेली में कौनो न कौनो हमारे बच्चा का दुश्मन है। आज हम सबके सामने सच बताएंगे कि यही आपका बच्चा है छोटे ठाकुर। ये हवेली का वारिस। संभालिए अपना बच्चा को। आप हैं छोटे ठाकुर तो हमको कोनो बात का डर थोड़ी ना। पहले दिन से इसको खतरा था छोटे ठाकुर। जब ठाकुर साहब इसको पहला दिन हवेली में लेकर आए थे ना, तो इसके स्वागत में मारे फूल उल बरसाया गया था, बाकी सब में कीला मिला हुआ था। और आज आज इसके कमरा में ऐसे सांप पड़ा हुआ। बाकी आप चिंता मत कीजिए छोटे ठाकुर, हम पता तो लगा ही लेंगे कि सब कौन कर रहा है। हमको माफ कर दीजिएगा बड़े ठाकुर, इतना दिन तक हम ऐसे डरामा करते रहे। यही आपका बारिश है। ससुरी हमारा सारा प्लान चौपट कर दिए, अब एकरा पागल कैसे साबित करेंगे? आप हमको इतना आसानी से पागल नहीं कर पाएंगे ठाकुर साहब, कहे कि अब हम आपका खेल समझ गए। और अब अपना बच्चा तक पहुंचने के लिए हम आपके साथ वही खेल खेलेंगे जो आप हमारे साथ खेल रहे हैं। चराई तो बहुत तेज निकली, पिछले बार आप पे हंसी आता नहीं, ये बार तो आपके मुंह पे थूकी। एक सभ्य उजरखेल के बारे में और कहा तो खींच पटक के अलगनी फैला दूंगा और मुर्दा होने पर ही उतारूंगा। इतनी बात अपनी आंटी में घटिया ले। क्या कर रहे सत्यानाश, छोड़िए तो। अरे ठाकुर साहब जानते हैं ना कि हम आप ही का साथ देते ना, छोड़िए। हम तो यही कह रहे थे कि आप वो चिड़ैया को लगता है कि ओकर वही बच्चा है। और ये जब पिछले सप्ताह तमाशा की ना, उसको ढांपने मूंदने के लिए वो भूसा पे लीप रही है और वो
तो कह रही है कि वो जानबूझ के ऐसा की, कि उसको डर है कि एक घर में ही सारे उसके बच्चे का दुश्मन है। इतना दिन तक हम ऐसे डरामा करते रहे, यही आपका बारिश है। उसकी आंखों में देखा चुनौती दे रही थी, लोहा सिंह को चुनौती दे रही थी। जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। अपना असली बच्चा पाना चाहती है, यही लिए इस बच्चे को अपना बता रही है। अक्सर सोचा करते थे कि हम और हमारी लाली मिलकर हमारा बच्चा को बड़ा करेंगे, काहे कि इस पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है। खुश है हमारा बच्चा, क्या हुआ, परेशान है? हमको क्षमा कर दीजिएगा छोटे ठाकुर, हम आपको अपना कोनो चाल के बारे में बता नहीं पा रहे। अभी तो सबसे बड़ी फिक्र यही है कि कहाँ खोजें हम अपने बच्चा को, कैसे बाहरवा जाएं। हमको तो यह नहीं पता कि बुआ जी का घर कहाँ है, आखिर किससे मदद मांगे हम अपना बच्चा को खोजने के लिए। गया हमारा बचवा, जीता रहे, खुश रहे। मामी, मामी जी, खुश रहो। अरे तुम तो बहुत ही बड़े हो गए हो, अच्छा हुआ एक बार चले आए। ए सुमित्रा, अरे जरा हमारे बचवा के लिए जलपान की व्यवस्था तो करो। ए मुन्नी, ये देखो हमारे भगीना आए थके मंदे, पानी ला देना ओकरे लिए। और सुनाइए बरछी दीदी, पावन जी कैसे हैं? सब मजे से हैं। धंधा पानी ठीक है? आप जो हमसे कहे थे वो काम हमने कर दिया है। अरे अरे ईका, तुम्हारे पेट में भूडोल आए बहू, यहाँ का कर रही है? तो छोड़ जात ऊपर से विधवा। अरे यही मिली थी खा हमारे बिटवा को पानी पिलाने के लिए। बाकी माँ पानी का स्वाद तो नहीं बदला, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। मामी जी अब हम नहाएंगे, और माँ
आप भी तैयार हो जाइए, हम दिन ही दिन में घर निकल चलेंगे। अरे एक का बात है भगीना, इतना जल्दी? एक दिन तो रुक जाते। नहीं मामी जी, हमने सोचा था कि हम आज ही निकल जाएंगे। अरे ये लड़के का दिमाग तो एकदम पूछो मत लोहा मुंडा। अरे हमेशा अपने ही मन की करता है। अरे कभो हमारी बात मान लेना तो समझो हमरे भाग। यहाँ भी यही हाल है बरछी दीदी, ये हमारा दोस्त शेर है ना, ये भी हमारी बात नहीं मानता, खून में दौड़ता। अरे मधुर, शेखर भैया। मधुर कब आए? जीते हो, कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया, तुम बताओ? हम बिल्कुल ठीक हैं। तो ये हैं हमारे भतीजे साहब। पीलो। अरे शेखर भैया, हमसे ये बच्चा बच्चा नहीं संभलता है। तभी तब तो संभाल लो, तो प्रैक्टिस कर लो, काम आएगा आगे, संभालो। अरे भैया हम कह रहे हैं ना, हमसे नहीं संभलेगा। लो प्रैक्टिस, हम बता रहे हैं आगे चल के काम आएगा तुम्हारे। लाइए हम संभालते हैं। हाँ देख तो रेखो, मधुर कह रहे हमको बच्चा नहीं संभालना, बता उसको कैसे संभालते हो बच्चा। संभाल के। अरे वाह रेखा, तू तो बहुत अच्छे से संभाल लेती बच्चा। वो जब हमारा भाई मुन्ना पैदा हुआ था ना, तो दिद्या के साथ मिलकर हम ही उसको खिलाया करते थे, इसलिए अभी संभालना आ गया। बच्चा तो बड़ा सुंदर है, लगता है अपनी माई पर गया है ना? अरे मधुर अपने बाबूजी से मिलो तो पहले, फिर पता चलेगा किस पर गया। रुको मिलवाते हैं तुम्हें आज। हमको तो मधुरवा और चिड़िया को आपस में मिलने नहीं देना चाहिए, पता नहीं मधुरवा का कह जाए। बगीना जी, हम कहा यहां आइए। क्या हो रहा है भाई? मौछी के गोदी में खेला जा रहा है। बाकी अब मालिश का समय हो गया है। चल मुन्ना को नहला लेते हैं। ले तनी संभाल इसको, हम गर्म पानी लेके आते हैं। संभाल के रखना इसको। बुआ जी क्या मिला था, शायद ही हमरी कोई मदद करते। अरे बरछी दीदी, करता हूँ करता हूँ। ओ भगला, बैठ जाइए बैठ जाइए।
क्यों ढूंढ रही है? बच्चा तो ठीक है ना, कुछ चाहिए था हमको खाना। बाकी बात तो है ना कि बच्चा कोई खाने की चीज है हा? कि अपनी आंखों के सामने कोई से बदल दे। अच्छा हुआ कि तुम्हारा दिमाग चल गया। बच्चा भी तो पता, हम जब सुनते हैं ना कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे लोग खो जाते हैं तो हमारा तक कलेजा फट जाता है। हमको बहुत खुशी है चिराई ये बात से कि तुम समझ गई कि यह बच्चा ही तुम्हारा है। ये सब जो आप कह रही हैं बहुत ही अच्छा से जानते हैं कि काहे कर रही। बाकी हमसे और हमारा बच्चा से दोनों से दूर रहिए।